101 दिन बाद शाहीन बाग का जो प्रदर्शन जारी था एनआरसी सीएए और एनपीआर को लेकर, उसे खाली करा दिया गया है। और अब इस वक्त मौके पर आशु खान जो कि नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं और लोग हैं, वो सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं। क्या अब क्या चाहते हैं आप लोग, हुआ क्या है एग्जैक्ट? सर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, और हम कुल 5 औरतें हमारे प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी। इन्होंने आने के बाद सबको लाठी चार्ज करी, हमारे प्रोटेस्ट को हटा दिया, पूरी दिल्ली के शाहीनबाग प्रोटेस्ट को हटा दिया। अब हमारी मांग ये है, जो हमारी लेडीज़ को डिटेन कर रखा है उनको छोड़ें। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसी रोड पर खड़े रहेंगे। और अनकंडीशनली छोड़े, विदाउट एनी कंडीशन, जितने भी लोगों को मतलब इन्होंने हुआ एक्चुअली अमूमन पता नहीं है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में जो है कोई आशु खान, क्या इस बारे में पता नहीं था आप लोगों को कि सुबह पुलिस ये एक्शन लेने वाली? हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। हम ये चाहते हैं कोई अधिकारी हमसे बात करने आए यहाँ पर और उन लोगों को छोड़े। भाई साहब, आपके सामने बहुत सारे अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, क्या अभी तक किसी ने आपसे बात नहीं की? किसी ने बात नहीं करी हमसे, किसी ने बात नहीं करी। भाई साहब, ऐसा था, यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनकी डिमांड क्या है उनसे जानूंगा। क्या अब क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड यही है, हमारी जो लेडीज गायब है उनको छोड़ा जाए, और हमारे जो भाइयों भी गायब है उनको छोड़ा जाए, और हम लोग के संग जो किया। अगर बीमारी की बात है तो हम हट जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन सुकून से जैसे हम थे वैसे सुकून से रहना चाहते हैं हम। तो बीमारी की ही तो बात है, आपसे पुलिस बार बार इस बात की अपील कर रही थी कि कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए आप हट जाइए। बात तो बोला था पुलिस, मगर हम लोग तो कम हो गए थे भाई, कम से कम 8-10 औरत तो बैठ ही रहे थे, तो क्यों ये बेमतलब का इन लोग क्यों यहाँ बवाल मचा दिए? 5 लेडीज बैठी थी वहाँ पे, भीड़ नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ 5 लेडीज बैठी थी। पुलिस ने आके डंडा, पुलिस आते के साथ एक्शन ये लिया। यूं दो जेंट्स थे, बेगर ड्रेस में थे, मतलब सिविल ड्रेस में थे, वो यूं तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया बिल्कुल धड़ धड़। जब मैं कह रही हूँ कि सर अगर बीमारी की वजह से आप हटा रहे तो हम लोग हट रहे हैं, आप दवा की छिड़काई कर लीजिए। रात तक ये हो रही थी कि दवा की छिड़काई हो रही, तो हमें ये लगा कि दवा की छिड़काई हो रही है, ये नहीं पूरी तोड़ पर पूरी ट्रक में भर के हमारे सारे सामान ले गए। ये कौन सी बीमारी है? आज कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, हमारा कोर्ट का फैसला आया नहीं, ये गैर कानूनी काम है, हम अपने हक के लिए बैठे। आपके जो आपने भारत का नक्शा बनाया था, जो आपने इंडिया गेट बनाया था, वो सब खत्म ले गए? नहीं, सारे ले गए ट्रक में, वो गर्म पानी का टैंक लेके आए हैं, और ठंडे पानी का टैंक, पूरी तैयारी के साथ आके हमला किया इन लोगों ने। तो देख रहे हैं आप कि जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी हैं, जो पिछले 101 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उनका गुस्सा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हमारे साथ दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर धोखा किया है। और अगर दवा छिड़कने की बात थी और कोरोना वायरस को उससे लड़ने की बात थी, जो भी आए हैं ये बाहर के लोग हैं, हमारी शाहीन बाग की पुलिस इतने अच्छे थे, हमारे साथ थे, हमारे पुलिस वाले, ये सारे बाहर के लोग